क्या है यूसुफ पंडित, पिछले 4 महीने से यही रिश्ते लेके आ रहा है, मतलब छोरियों का काल पड़ गया क्या? मेरी बारी में छोरियों का काल पड़ गया तेरे पास। तेरे ग्रैंडफादर ने ना मेरे ग्रैंडफादर का ब्याह कराया था, और तेरे फादर ने मेरे फादर का, और तेरे को पता है पुश्तैनी रिश्ता कब से चलता हुआ आ रहा है? इसमें ग्रैंड 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 10 बार ग्रैंड जोड़ लेगा ना, कब से चलता हुआ आ रहा है? अरे भैया कैसे लिखवा पाएगा तू हमारे पुश्तैनी इतिहास में अपना नाम? पंडित यार तू बेकार है यार। भैया जी वो रश्मि है तो रश्मि। भैया देख मैं हूँ 5 फुट 10 इंच का आदमी और वो है 3 फुट की, मान ले गलती से बालक उस पे चले गए, एक एक विलान के बालक होंगे, किसी छेद में घुस के कान ढूंढते फिरेंगे यार। पर भैया जो संगीता भी तो है। ए यार पंडित बेकार आदमी। अब तो बात ना इज्जत पे आ गई, तो भैया जी का भी हम ही कटवाएंगे। अरे आ गया भाई, कैसे उदास सा हो रहा, क्या हो गया? अरे यार तेरे को तो पता ही है पंडित का यार, हर महीने वही रिश्ते लेके आ जाएगा यार, दिमाग खराब हो गया। देखो ब्याह की उम्र निकले जा रही है, पर छोरी के चक्कर है, छोरी चाहिए ना। हाँ और क्या चाहिए, जो बता वो कैसी है? हाय मैडम तेरा टोरा रे टोरा रे टोरा रे, तने देख के मर गया बैरन गुड़गांव में का छोरा रे। अरे यार लोकेश से तो यार पहली बार में प्यार हो गया, पंडित से उसकी डिटेल निकलवानी पड़ेगी जल्दी यार। चल यार पंडित के पास चलते हैं। पंडित यार तू साले पागल ही रहेगा, तू नहीं बनने देगा कभी किसी का काम, अच्छा खासा उसको बस बोलने वाला था यार। अरे भैया जी ये सब छोड़िए ना, हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। ओ भैया तू रहने दे, तेरे बस की ना है, मैंने खुद ने लड़की देख ली है। अरे भैया जी एक बार सुन तो लीजिए, लंदन से आई है और इकलौती लड़के सिंघानिया साहब की, घर बार भी बहुत अच्छा है, एक बार फोटो देखिए भैया जी अपना, आपका दिल खुश हो जाए। अरे पंडित यार पंडित फोटो वोटो यार, भैया जी एक फोटो देख तो लीजिए, क्या पता आपको पसंद ही आ जाए वो। अबे पंडित यही तो वो लड़की जिससे मेरे को प्यार हो गया। अबे भाई पता है इसके बारे में कौन है ये? भैया जी हमने सिंघानिया साहब से सॉरी बात कर ली है, बस आपको क्या करना है आज 12 बजे द ओल्ड कैफे में मिल के आना है, बाकी सब सेट है। तो पंडित टाइम भी होगा, एक काम कर फटाफट से फॉर्च्यूनर का कपड़ा लगा फटाफट से। भैया जी वो तो आपके पापा ले गए हैं। चल बुलेट पे लगवा दे, वो बड़े भैया ले गए हैं, लगता है धन्नो ही लेके आनी पड़ेगी। भैया धन्नो सही आइडिया आपका, चल मैं तैयार होता हूँ फटाफट से। खाने का तो भैया एक काम करते, घी की रोटी लिया 4-5 और उसमें दाल वाल मखनी लिया। अच्छा तो भैया एक काम कर, मैं तो अपने गांव के यादव होटल से खा लूंगा, मैडम का होटल ले ले तू। ओके सो आई वुड लव टू हैव वन बेक पास्ता विद एक्स्ट्रा चीज एंड एक्स्ट्रा वेजीज एंड अ वर्जिन मोजिटो विदाउट शुगर। ओके थैंक यू। यस वेब्स नथिंग just sitting with a shit piece of shit wearing some Indian attire and he has zero sense of communication. Excuse me, if I am wearing Indian attire and speak my mother tongue, that's Hindi. Is that not means I am illiterate? और यार मेरे को गर्व होता है अपनी भाषा पर, अपने कल्चर पर। और यार मैं ऐसी लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता जो मतलब बाहर के कल्चर को फॉलो करे और अपने कल्चर को छोड़कर। बस मैडम मुझे माफ करना, मैं शादी नहीं कर सकता, ठीक है? हिंदी में बोलो तो माफ कर दो, देखो पढ़ाई तो करिए ना इंग्लिश, दिल तो अभी भी हिंदुस्तानी है ना। ये है मेरा इंडिया, ये है मेरा इंडिया, ये
चोर 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 मैं पकड़ा हूँ। ये मेरा पर्स लेके भागा है। हाँ भाई कैसे? तेरे दोनों हाथ ठीक है, दोनों पैर ठीक है, दिखने में भी अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, उसके बावजूद चोरी चकारी करते साले, तेरे को शर्म नहीं आती? भैया वो मेरी मजबूरी है भैया, मेरी माँ की तबीयत खराब है भैया, और मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं, इसीलिए मैंने चोरी करी। कितने रुपए की आएगी दवा? भैया बस 1000-1200 रुपए की। एक काम करिए, 2000 रुपए पकड़, और अगर आगे तेरे को पैसे की जरूरत पड़े ना मेरे को कॉल करती हो, पर आज बात चोरी चकारी मत करियो, ठीक है? थैंक यू भैया, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा भैया, भगवान आपको भला करे। थैंक यू भैया। मैडम आपका पर्स। थैंक यू। यार थैंक यू की कोई जरूरत नहीं यार, ये तो मेरा पर्स था। और यार वैसे भी यार इंसान की मतलब ऐसी कैसी मजबूरी हो जाती है कि वो मतलब चोरी चकारी को धर जाता है यार। बिल्कुल, बट आप तो बहुत अच्छे इंसान हो यार, आपने बिना सोचे समझे उसकी हेल्प कर दी। अरे बाय द वे आई एम पल्लवी। मैं नितिन। कल आप मेरे साथ कॉफी पे चलोगे? यार कॉफी, चाय पे चलोगे तो चलूंगा। मस्त समा ऐसे में होंठों से होंठ मेरा, जिस्म तेरा और ये अदा, सांसें सुलगती है होश कहाँ, मेरी बाहों में आओ जरा। इतनी देर से फोन करो, फोन क्यों उठा रहे? अरे यार वो एक्चुअली मेरा फोन खराब हो रहा है तो इसलिए कॉल का पता ही नहीं चला। चलो कोई नहीं, नया फोन दिला दूंगा, बैठो। और कैसा लगा गाँव? अरे क्या हो गया, अब तो फोन भी दिलवा दिया यार। देख मैं ना तो अंतर्यामी हूँ, ना मेरे को दिमाग पढ़ना था, बताएगी भी क्या हुआ है? अरे यार मैंने ना घर से पैसे लिए थे कॉलेज की फीस के लिए, पर वो ना कहीं खो गए हैं, अब मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। बस इतनी सी बात के लिए टेंशन, एक मिनट रुक। ले जितनी फीस है ना उससे 10-12 हज़ार ऊपर ही है, ठीक है? अब तो खुश। थैंक यू सो मच यार। यार एक मिनट, मैं ना कल तुम्हें अपने ना दोस्तों से मिलवाऊंगी। अच्छा। तो कल पक्का आ जाना कॉलेज, और ना प्लीज ये देसी कपड़े मत पहन के आना, ठीक है? बाय। तुम्हें पता है मेरा गोवा जाने का सीन पक्का हो गया है। अरे पर इतनी जल्दी कैसे? अरे वो मेरा देसी सा बॉयफ्रेंड। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अबे देसी सा है तेरा बॉयफ्रेंड, इसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, देखो लोअर में कौन आता है यार। यार सीरियसली देसी? यार देखो जैसा भी है देसी है, या जैसा भी है मेरा बॉयफ्रेंड है। नितिन तुम प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानो। अरे अबे तू चलना। यार तुम लोग पागल हो क्या? यही तो मेरी सोने की मुर्गी है, प्यार व्यार ढूंढना करती हूँ मैं, सिर्फ टाइम पास है ये। क्या बात कर रही है, सही है यार। हाँ यार ये देसी लोग ना होते ही ऐसे हैं, थोड़ा सा रो दो दो और बस जान निसार कर देते हैं ये लोग। सही कह रही हो। जे तू दिलो आखे प्यार मेनू कर दी, वो जो भी सच सी मैं तेरे अगे रखता, वो फिर मुड़ के ना आखी मेनू रोलता, देसी। देसी? अरे यार मैं भी क्या सोचने लग गया,
जिस छोरी ने मेरी गैल रहना है उसने कोई दिक्कत ना है, दुनिया जाए भाड़ बट्टे में। भाई जी राम राम। राम राम। और कैसे आना हुआ, सब बढ़िया? भाई जी सब बढ़िया, बस आपकी दुआ है। और चोरी चकारी के काम छोड़ दिए? भाई जी सब छोड़ दिए। और माँ की तबीयत कैसी है? भाई जी माता जी की भी तबीयत बहुत अच्छी है। बता कैसे आना हुआ, कुछ पैसे वैसे की जरूरत? नहीं भाई जी, आपको एक बात बतानी थी। बता। भाई जी जिस लड़की से आप प्यार करते हो ना, वो लड़की आपके लायक ही नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू ये? भाई जी मैं बकवास नहीं कर रहा, आप जरा एक बार ये देखो फोन में। प्यार व्यार ढूंढना करती हूँ मैं, सिर्फ टाइम पास चाहिए। क्या बात कर रही है, सही है यार। हाँ यार ये देसी लोग ना होते ही ऐसे हैं, थोड़ा सा रो दो दो और बस जान निसार कर देते हैं ये लोग। चल ठीक है, धन्यवाद। यार तुमने जहाँ आने को बोला था वहाँ मैं आ गई, कितनी देर में आओगे तुम? इंतजार कर, आ रहा हूँ। हाँ भाई दिखा देने देसी कदम। आ गया था, इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया? यार तुम लोग पागल हो क्या? यही तो मेरी सोने की मुर्गी है, प्यार व्यार ढूंढना करती हूँ मैं, सिर्फ टाइम पास है ये। क्या बात कर रही है, सही है यार। अरे यार देसी है, टोटा ऑफ जाने पर दर्द का नियम लेंगे। अरे एक बात और सुन, जब तने ऐसे अपने पैसों जुट जुट जाना कोई कुछ भी बोले रे दुनिया ने कह दे। हेलो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में यार बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है। और साथ में मेरे को इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉलो कर लेना। और इसके साथ में मेरे को ये बताओ कि पहले वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी या सेकंड वाली अच्छी लगी। और इसके साथ साथ में यार जैसे लॉकडाउन खत्म होता है नई वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय, लव यू, टेक केयर, घर में रहो, स्वस्थ रहो, बाय।